नहीं होगा, तुम्हारा भाई दिखाएगा आज राम मंदिर। राम मंदिर हाँ। और हेलमेट कहाँ है? बिना हेलमेट के जाएंगे, बातचीत इतनी कैडी है। अच्छी है बता भाई, दिखाते हैं। अभी देखो बातचीत देख लो भाई की, भाई की बात। तो भाई मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, ये देख रहे हो आप राम मंदिर फेस वन का। दिल्ली में दिखाऊंगा राम मंदिर। आ चुका हूँ यहाँ पे, चप्पल उतारने के लिए जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई मैं बताऊँ आपको, अंदर पहले राम मंदिर के अंदर घुसते के साथ ही मैंने सबसे पहले वाल्मीकि जी की फोटो देखी, और मैंने वो देख के मेरे को दिल बड़ा संतुष्ट हुआ कि जिन्होंने रामायण के बारे में बताया सबसे पहले उनको तो लेना जरूर बनता है भाई, बिल्कुल बनता है। तो मेरे वीडियो में सबसे पहले आपको महर्षि वाल्मीकि जी जरूर मिलेंगे। पहले गुस्से के साथ आपको भगवान श्री महर्षि वाल्मीकि जी आपको देखेंगे, और उनके ठीक ऊपर ही आपको देखेगा जय श्री राम। ठीक है, बारे में मैं बताना चाहता हूँ। अभी ये भाई थे हमारे यजमानीवाल जी, हमें कह रहे थे कि भाई बनेंगे राम, नहीं हम कभी राम बन ही नहीं सकते भाई। क्यों भाई? क्योंकि हमें वो गुण ही नहीं है। हमने मानव का जन्म तो ले लिया, लेकिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह जीवन में कभी नहीं बन सकते। ऐसा क्यों भाई, बता सकते मेरे को? क्योंकि राम एक राम थे। क्या है ऐसे भाई, उन्हें ऐसा मतलब भाई मैं क्या बताऊं तुम्हें कि राम एक ऐसे पुरुष थे, मतलब उनका हर चीज में बहुत अच्छा रहा, स्वभाव था हर चीज को, मतलब कभी डाउन टू अर्थ में, गुस्से में कभी नहीं, डाउन टू अर्थ राम की नहीं है। जीवन में कभी नहीं बन सकते, कभी भी राम की तरह बिल्कुल बन ही नहीं सकते हैं। और हमें सोचना भी नहीं है कि हम राम की तरह बनेंगे, हम बस उनके कर्तव्यों का पालन करके ही हम अपने दिल को संतुष्टि लेंगे कि हम राम की तरह हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन राम हमें कभी नहीं। वो वाली बात है भाई की, जय श्री राम। गुरु विहार में आज मैं महा मंदिर में आया हूँ, और देख सकते हैं महाराज महाशिवरात्रि का बड़ा शुभ अवसर है, और 8 मार्च को शिवरात्रि का आयोजन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ ये मयूर विहार फेज वन में राम मंदिर है। हाँ तो पंडित जी यहीं के पंडित जी हैं भाई, मंदिर से जा रहे थे भाई। देखो भाई ये गाय की भाई जगह रखी है मैंने, इसलिए अभी करेंगे। अभी वो पंडित जी कह रहे हैं कि मैं वो राम मंदिर से हम निकल चुके हैं, और हम पर बड़े दिल को सुकून मिला, बहुत शांति मिली है। बल्लारे के लिए भी बोल रहे थे, मगर उनके भाई कह रहे अभी थोड़ी कोई बात नहीं, महाशिवरात्रि वाले दिन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारे भाई शिवरात्रि वाले दिन भाई बल्लारा करवाइए ना भाई। बिल्कुल भाई, ठीक है। तो 20K लाइक कर दो, तुरंत भंडारा है कसम से भाई, 20K लाइक कर दो। अंकित भाई बताओ, हाँ यार।